अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है, शीरी मजारी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसने उस गिरफ्तारी को बना दी है अगवाकारी, यानी मुझे अगवा किया गया। वैसे इसको अगवा करके किसी को क्या मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, अब इसको कौन समझाए। इसका सियासत का नॉलेज जीरो है, जीरो। इसको क्या पता, सियासत में यही होता है, छोटा छोटा मछली है पहले उनको पकड़ो, फिर उन्हीं को कुंडे में डालो, पानी में फेंको, बड़ा मछली को पकड़ो। यही करते हैं हमारे सियासतदार हमेशा से, छोटे छोटे जो मोहरे होते हैं उनको पकड़ लो, अपने पास रख लो, उनसे बयान ले लो, ताकि फिर वो उनके लीडर के खिलाफ यानी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर सको। कुछ समझ आ रहा है? चलो तो मैं एक वीडियो बताता हूँ, ये देखो। अब ये इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है पुलिस वाले अपने दुश्मनी निकाल रहे हैं। मुझे याद है उतरने वाले वक्त में इसने किस तरह बैरियरों को धक्के मारे थे, सुल्तान राय बनी हुई थी। और बताओ, आराम है, जाति की है, एक औरत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ बोलेगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना। क्यों, हवा निकल गई? लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ है तो लगाओ। वीडियो देख ली होगी, जिस तरह अगवा किया गया, ये सिर्फ एक बगैरत बाजवा इस तरह अगवा कर सकता है। मड़ा, ये शीर मजारी का बेटी नहीं है? हाँ खान भाई, ये वही है, बेटी है। हाय, हमारे वतन का क्या बनेगा? गरीब आदमी कचेरी के चपड़ासी को क्रॉस नहीं कर सकता, अमीर आदमी की बेटी का ये आलम होता है। हमारे मुल्क में दो कानून होते हैं भाई, दो कानून। एक गरीब के लिए, जिसको एक छोटा सा सिपाही भी पकड़ के पैरों में बिठा के उसको मारता है, और एक अमीर की बेटी आर्मी चीफ को गालियां दे रही। हाय हाय, क्या बोलूं मैं अब। लेकिन इसके और करतूत पता है? ये देख लो, पहले पीटीआई के खिलाफ ये इस तरह के ट्वीट करती थी, ये पढ़ लो। oh, no. इसकी माँ ने इसको जवाब दिया था। हाँ, याद है जादू टूने वाले ट्वीट इसने करते थे। लोग, तुम लोग भूल जाते हो ना, तुम लोग की मेमोरी बड़ी कमजोर है। देख लो, ये कहती थी पाकिस्तान जादू टूने से चल रहा है, फिर माँ ने इसको जवाब दे दिया था। और इसका वो दूसरा भी, वो क्या वाला, वो वाला सीन भी बड़ा था। हाँ, मैं और कुछ अच्छा ऐसा था, यानी ये बात कोई कर क्यों नहीं रहा फिर? किसने पहले ऐसे बयान दिया उस वक्त? तो कुछ अच्छा, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ इसलिए। तो एक्टिव रहा करना, तू तो कुछ और चीजों में एक्टिव रहता है। हमेशा तेरे मोबाइल का वीपीएन ऑन होता है, अभी भी ऑन होगा, दिखा मेरे को। नहीं दिखाएगा, ये कहीं और एक्टिव रहता है, इसलिए तेरे को नहीं पता। वो खान भाई, इनका कोई दीन ईमान नहीं, वल्ला मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। हाँ, इनका दीन ईमान नहीं है, तेरा तो 100% दीन ईमान है। तू तो सुबह शाम मुसल्ले पर बैठा होता है, तस्बीह फेरता है, कुछ भी कहते हैं, कुछ है करते हैं, कुछ है पता नहीं। इस मुल्क में हो क्या रहा है? इस मुल्क में तुम जैसे निकम्मे जिनको पता कुछ नहीं होता, या होता है तो कहीं और मसरूफ, तो गेम खेलो, वीपीएन ऑन करो, जानू मान करो, और कुछ सही काम मत करो। इसलिए ये लोग तुम लोगों पे राज करते हैं। थोड़ा सा अपना याददाश्त तेज करो, मालूमात पूरा रखो, ताकि तुम लोग भी सही और गलत में फैसला कर सको। जो हुआ आंटी के साथ गलत, मैं नहीं सपोर्ट करेगा, लेकिन उसकी बेटी जो बोल रही, मैं कभी उसके बारे में भी सपोर्ट नहीं करेगा। कोई इस तरह के टुच्ची औरत आके, टुच्ची लड़की आके हमारे आर्मी चीफ चार्ज जैसे भी है, अपने मुल्क का आर्मी चीफ है, उसके साथ रहेंगे। आर्मी चीफ गलत करता है, उसके खिलाफ कानूनी तरीका कार इस्तेमाल होना चाहिए। ये नहीं तो टुच्ची लड़की आके बेगैरत बात। अबे तू कौन है, इससे भी तो जाके कोई पूछ ले। लेकिन क्या करे, मुल्क ही ऐसा है। अमीर की बेटी अयाशी करेगी गरीब का बच्चा, आर्मी वालों के और पता नहीं थानेदारों के पैरों में, वडेरों के पैरों में बैठा रहेगा। इस मुल्क को कुछ नहीं, उसे ज्यादा सच भी नहीं बोल सकता, रोले बहुत है। ये बात खान भाई बिल्कुल ठीक थी। बस इसको वीडियो को यही खत्म करते, छोटी सी वीडियो आज के लिए काफी है। अपने बहुत सारा ख्याल रखिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा भी दबा दो। फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।